ये पकड़ लाइट आगे रहा ना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे और रमज़ानुल मुबारक की जो बाबरकत साथे हैं उनको झोली भर भर के समेट रहे होंगे। तो आपने अभी पहले जो क्लिप देखा था वो रात के टाइम का था और जो कश्मीर में जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, दो दिन के बाद बारिश हो जाती है और रात को तो इतना मज़े का मौसम था कि यालाबारी हुई और इतनी ज़्यादा यालाबारी हुई कि तकरीबन 20 से 25 मिनट होती रही और इतने बड़े बड़े ओले पड़े और रात को हम लोग जो ब्लैंकेट है वो लेकर सोए। तो इतनी ज़्यादा अच्छा मौसम होता जा रहा है अल्लाह की तरफ से, तो ये रमज़ान तो बहुत ही ठंडा मीठा सा गुजर गया है। और जनाब सुनाएं आप लोग कि आप लोगों की जो रूटीन है वो कैसे जा रही है। मेरी तो बहुत ज़्यादा जो रूटीन है काफ़ी टफ हो चुकी है और जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है उस लिहाज से और टफ होती जा रही है। जब से तीसरा अशरा लगा है तो स्टेमिना काफ़ी लो फील करने लगी हूँ और उसके बाद जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो भी कभी लॉकडाउन लग जाता है और कभी खुल जाता है, कोई चीज़ मिल रही है कोई नहीं मिल रही, बच्चों की ईद की शॉपिंग उसके बाद अपने घर के काम और इबादत और रोज़े, इसी तरह सारा मिक्स एंड मैच चलता जा रहा है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं अपने शामी कबाब की तैयारी कर रही हूँ और शामी कबाब मैंने चढ़ा दिए हैं सारे मसाले उसमें मिक्स करके, इसके बाद मैं शामी कबाबों में ऐड करने के लिए हरा मसाला तैयार कर रही हूँ जिसमें हरा धनिया हरी मिर्ची और प्याज है। काम तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, रमज़ान हो तो रमज़ान में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि हम लोग सारे काम पसे पूछते डाल करके रमज़ान में जो इबादत का ग्राफ है उसको बुलंद किया जाए। तो मुझे ये फील होता है कि कभी कभी इस तरह मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कि अगले साल ये नसीब होता है कि नहीं, और इसी सोच के पेशे नज़र तो जितनी भी ज़्यादा हम इबादत करें उतना ही कम है। तो जनाब ये जो शामी कबाब मैं बना रही हूँ ये मौसा मोम USA की रेसिपी से बना रही हूँ और माशाल्लाह से वो इतनी अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं कि जब उनकी वीडियोस में देखती हूँ तो मेरे मुंह में तो पानी आता जाता है और मुझे भूख लगने लगती है। बिलाशक मैंने खाना भी खाया हो तो जो उनकी ग्रॉसरी होती है उसको देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो रेसिपीज़ वो बताती हैं उनको मैं आजकल काफ़ी घर पर ट्राई कर रही हूँ। तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर ज़रूर अगर हो सके तो मूसा मोम के चैनल को विज़िट कीजिएगा और उनकी वीडियोज़ को देखिएगा कि ऐसा टैलेंट मैंने बहुत कम, और मुझे लगता है कि ये फर्स्ट लेडी हैं जिनसे मैं इतना बुरी तरह मुतासिर हूँ यूट्यूब से कि मैं जिसकी भी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे नहीं पता लगता कि वो कौन सी कैसी बातें हैं, क्या उसमें टॉपिक रखना चाहिए, इवन कि मुझे तो ख़ुद भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बोलूँ। तो एक वो वाहिद लेडी हैं जिनकी वीडियोस को देखना शुरू करो तो पता ही नहीं चलता कि वीडियो कब ख़त्म हुई और इतना शॉर्ट टाइम लगता है उनकी वीडियो का, चाहे वो 10 मिनट की बनाए या 15 मिनट की, ऐसा लगता है अभी शुरू किया और अभी ख़त्म हुई है। आप विज़िट कीजिएगा उनके चैनल का मूसा मोम USA का, तो आपको ख़ुद ही इसी बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये जो बात कह रही हूँ ये कितनी परसेंट तक ठीक है कि उन लेडी के पास इस तरह के टॉपिक होते हैं कि उनकी वीडियोस तो देख रहे होते हैं हम, उनका जो रूटीन वर्क होता है वो देख रहे होते हैं, उनका जो बातें करने का अंदाज़ है बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है और उनकी बातों में जो चाशनी मुझे फ़ील होती है कि लगता ही नहीं है कि वो अमेरिका में रहती हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे दिलों की बात उनकी ज़ुबान से अदा हो रही है। तो जो न्यू यूट्यूबर्स हैं जितने भी उनके लिए वो बहुत सपोर्टिव हैं और उनकी बातों से उनके काम से हर तरह से वो हर किसी की वीडियोस पे जाती हैं देखती हैं और बहुत सच्ची और खरी, मुझे तो ऐसा ही लगता है और आप लोग भी इंशाल्लाह ताला उनको ऐसा ही पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे शामी कबाब रेडी हो गए हैं तो मैंने इनको जो रैप होता है उनकी लेयर्स लगाकर एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और इसको मैं फ्रीज़र कर दूंगी। जब ये फ्रीज़र थोड़े से सख्त हो जाएंगे इनको मैं एक शॉपर में डालकर रख दूंगी ताकि वो जगह की सेविंग हो फ्रीज़र के अंदर। ये साथ ही मैंने दूसरी रेसिपी अपनी शुरू कर दी है और ये मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड रोल। उसके लिए मैंने चिकन को बॉयल किया था, चिकन ब्रेस्ट को
उसमें दालचीनी और लौंग, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक डालकर उसके बाद मैंने इसको छोटा छोटा चिकन को कर लिया और साथ के मसाले में डाली काली मिर्च, दादर मिर्च, उसके बाद मैं इसमें केचप भी डालूंगी और मेनीज भी होगी इसमें और इसको फिर मैं ब्रेड के साथ रोल की शक्ल दूंगी। और पूरी रेसिपी मैंने शेयर की आप लोगों के साथ इस वीडियो में। और ये जो केचप आप लोग देख रहे हैं ये मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये मुकम्मल रेसिपी होममेड केचप की दी है। और आप लोग ये आई बटन पर मैंने इसका लिंक दे दिया है, बहुत ईजी केचप है और देखें इसकी थिकनेस, और ये अभी तक ख़राब नहीं हुई और बहुत अच्छा टेस्ट था। इसके साथ मैंने इसमें चिली सॉस भी डाला है और ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आप लोगों को ये पसंद आती है तो ज़रूर आप ये ट्राई कीजिएगा और ये काफ़ी अच्छे मोटे मोटे से बन जाते हैं। एक भी आप ये खा लेंगे ना तो आप बहुत फुल फील करेंगे। ये बच्चों के जो लंच बॉक्सेस होते हैं उसमें भी आप फ्राई करके सुबह के टाइम सिर्फ आप लोगों ने फ्रिज से निकालने हैं और इसको फ्राई करना है और बच्चों के लंच बॉक्स में रख देने हैं। जो ये ब्रेड के स्लाइस हैं ये साइड का जो ब्राउन सा हिस्सा होता है ये मैं उतार लूँगी और इसको मैंने खुद ही घर पर ब्रेड क्रम्स बना लिए थे इसके साइड वाले हिस्सों से। और जो ब्रेड की क्वालिटी होती है तो वो इस तरह की होनी चाहिए कि आज ही ब्रेड बनी हो और आज ही आप लोगों ने इसके ये फ्रेंच ये ब्रेड टोस्ट सॉरी आप लोगों ने क्या ब्रेड रोल बनाने हो। तो मैं जब भी ब्रेड रोल बनाती हूँ तो पहले मैं ये मेक श्योर कर लेती हूँ कि जो मेरी ब्रेड है वो बिल्कुल ताज़ी हो, बिल्कुल फ्रेश हो। जैसे ही वो मुझे टाइम का पता है, यहाँ की जो बेकरीज होती हैं उनका टाइमिंग क्या है कि वो कब अपनी डिस्प्ले पर लगाते हैं ताज़ी ब्रेड, तो उसी टाइम में लेकर आती हूँ और मैं ये फिर ब्रेड रोल्स तैयार करती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने इनको ले डाउन किया उस पर कटिंग बोर्ड पर, उसके बाद मैंने बेलन से हल्के हाथों से इनको चपटा सा कर लिया और उसके साथ मैंने एक पेस्ट बनाकर रखा हुआ है गम का, ग्लू का, इसको हम लई भी कह सकते हैं। मैदा लें, उसमें से थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करें, उसको स्मूथ सा ना एक पेस्ट बना लें, इसको दबाकर आपने इसको फ्लैट कर लेना है और थोड़ा थोड़ा अमेजा, इतना थोड़ा भी ना हो कि उसको आप जब ब्रेड रोल को तल कर निकालें और उसमें से कुछ भी ना निकले। तो पहले जब मैंने रमज़ान के स्टार्ट में ये बनाए थे तो मैंने इसमें जो मसाला था ना थोड़ा भरा था, तो बच्चे शिकायत कर रहे थे कि ये मसाला तो है ही नहीं इसमें, चिकन मिल ही नहीं रहा कहाँ है। तो नेक्स्ट टाइम अभी मैंने जब बनाए हैं तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मसाला भरा है और यकीन करें कि ये बिल्कुल ना टूटते हैं ना हार्ड होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। और ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर पर बनाए हैं, इनको मैंने ब्लेंडर में डालकर उसका चूरा बना लिया है, इसका जो साइड के हिस्से उतरे हैं ना उसका मैंने चूरा बनाया है। उसके बाद मैंने तवे को लाइट सा गर्म करके उस पर थोड़ा सा ना फ्राई कर लिया उनको, तो ये ब्रेड क्रम्स बन गए हैं, ये मेरे रेडी हो चुके हैं तमाम। आप इनकी लुक देख सकते हैं। अब इनको मैं पहले अंडे फिंटे हुए अंडे में रोल करूँगी इनकी साइड से। लई भी लगाई है इस पर मैंने मैदे की बनाकर और इसको मैंने अंडा भरपूर तरीके से लगाया, एक हाथ से अंडा लगाना है दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स। अगर ब्रेड अंडे वाले हाथ से आप ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो वो सारे ब्रेड क्रम्स आपके हाथ पर भी चिमट जाएंगे और सारा एक दूसरे से जुड़ कर रह जाएगा, आप बाद में यूज़ भी नहीं कर सकते। इसी तरह एक एक करके मैंने इनको तैयार कर लिया है और यही इसकी सिचुएशन है कि जब इनको फ्रीज़ करूँगी तो ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे और बस आपने इनको फ्रीज़र से निकालना है थोड़ी देर पहले तलने से, और आपने इनको लाइट से गरम से ऑयल में ना आपने लाइट गरम ऑयल में आपने फ्राई कर लेना है। तो जनाब ये मेरी रमज़ान की दो रेसिपीज़ थीं जो मैंने कल ये सारी बनाई हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने यमी लग रहे हैं। इनको तलने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसी शक्ल इख्तियार कर देते हैं। ये इफ्तारी में लेट हो गए थे ना, दस्तरखान बिछाया, बस जल्दी से फ्रूट काटा क्योंकि मैं वो दो रेसिपीज़ बनाने में मशगूल थी और उसी दौरान ये इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो फ्रूट बना ले और ये मिल्क शेक बनाया हुआ है, इसमें स्ट्रॉबेरी और आम और खजूर ये तीन, और दूध है और चीनी है साथ, इन तीन चीज़ों को मिलाकर ये मिल्क शेक बना लिया। और आप लोग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मैं आपको अपनी दुआओं में बेहद याद रखती हूँ, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।